हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रेसिपी देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। ये बहुत ही ईजी और क्विक सब्ज़ी है। आप जब भी बनाएं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएँ। और चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और मैंने यहाँ पे दो प्याज ले ली हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। दो टमाटर लिए हैं उनको भी बारीक स्लाइस कर लिया है। दोनों चीज़ें मैंने एक लेवल के मुताबिक ली हैं, मतलब मीडियम साइज़ के थे दोनों चीज़ें, टमाटर भी और प्याज भी। फिर मैंने शिमला मिर्च लिए हैं। शिमला मिर्च में 1 kg है शिमला मिर्च मेरे पास, तो इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। फिर मैंने डाले हैं इसमें आलू। आलू भी मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काटा है ताकि दोनों चीज़ें जब सब्ज़ी बनती है तो कोशिश है एक जैसी ही चीज़ें डाल उसको काट के डालें। और बस इसमें और कुछ मैंने चीज़ें ऐड नहीं की। और फिर मैं डालूंगी इसके अंदर ड्राई मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है धनिया मिर्च, जिसको हम कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं। ये मैंने डाली है 1 tablespoon के मुताबिक। और फिर मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर, जो 1/2 teaspoon डाली है मैंने। और फिर मैंने डाला है इसके अंदर सॉल्ट, ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, वरना 1 tablespoon काफ़ी होता है। बाकी आप अपने घर के मुताबिक भी डाल सकते हैं जितना आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। फिर इसमें डाली है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च का सिर्फ कलर होता है, तेज़ नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसमें डाली है 1/2 teaspoon कश्मीरी मिर्च। और फिर मैंने इसमें ऐड करवाया है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा है ये, थोड़ा सा है, मैंने बिल्कुल हाथ में लेकर चुटकी भर वो डाला है। फिर धनिया, पीसा हुआ धनिया पाउडर है वो डाला है। और फिर मैंने इसके अंदर डाला है 1 cup घी है इसके अंदर। और वो डालने के बाद इसको इसके अंदर मैंने डाला है पानी। पानी मैंने मैक्सिमम 1.5 glass लिया है, और 1.5 glass मैंने इसमें पानी डालूंगी ताकि मैं ये बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। मैक्सिमम 10 से 20 minutes लगते हैं इसको तैयार होने में। और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये एक जान हो जाए मसाला और पानी के साथ। और इसमें मैंने लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं डाला। और आप जब भी बनाएं और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया। प्रेशर कुकर के चलने के बाद मैंने जो 5 minutes का टाइम दिया था इसको, मैक्सिमम 5 minutes लगे थे। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार इसका कलर आया है। और इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी मैंने, सवाए सिर्फ गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया इस्तेमाल किया था। और यहाँ मैं इसके अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। अच्छा, मैं भुनाई के लिए ना ज़्यादा चम्मच नहीं इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि मेरा माशाल्लाह से आलू भी कुक हो गए थे और शिमला मिर्च भी कुक हो गई थी। क्योंकि शिमला मिर्च अगर मैं ज़्यादा चम्मच लगाऊंगी तो बिल्कुल वो मैश हो जाएंगी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। फिर मुझे खड़ी खड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको हल्की आँच पर चूल्हे को रख दिया था। और फिर आराम से जब इसका पानी ड्राई हो गया, और बस मैंने फिर इसको 3 minutes के लिए भुनाई की, और माशाल्लाह से ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। आप इसकी फाइनल लुक भी देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे माशाल्लाह से इतना खूबसूरत फीडबैक देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बस आप मेरी रेसिपी को ऐसे फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी, और ताकि मैं अपने 1000 subscriber भी कंप्लीट कर सकूँ। और बस यही बस मेरी दुआ है कि मैं जल्दी से अपने 1000 subscriber कंप्लीट करूँ, आप लोगों के साथ ऐसे ही बनी रहूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।